आज की मॉर्निंग हमारी मैडम जी के साथ में मेरी बेस्ट फ्रेंड और हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले सेट पे तभी मेकअप हो रहा है मैडम का। और देखिए मैं मेरा ये लुक है और कैसी लग रही हूँ मैं, और ये रेडी होंगी उसके बाद इनका दर्शन कराएंगे हम। अभी तो शुरुआत हुई है तैयार होने की, जब पूरा तैयार हो जाएंगे तो लुक भी चेंज हो जाएगा। आओ आओ खाली वीडियो बनाती रह जाओगी, ब्रेक ओवर हो जाएगा। हमने ढेर सारी वीडियोस बनाए। सच का खाना कैसा होता है? खुद ऐसा ही लग रहा है। नो कमेंट। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। पैकअप हो गया है इनको, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है तो बोल रही जल्दी ले चलो। कितने बजे का है? अब मुझे तो मैच का ABCD भी नहीं समझ में आता, खाली चौका मारा छक्का मारा ही समझ में आता। मुझे भी नहीं समझ में आता ना पसंद है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान आई कैन नेवर मिस इट। ठीक है भागते हैं। लेते हैं खाना, भूख लगी है यार। अरे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चलो घर ही चल के खाते हैं। चलते चलते हैं फटाफट भाग। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चलो घर ही चल के खाते हैं। चलते चलते हैं फटाफट भाग। पैकअप हुआ है अभी हम जा रहे हैं, चलते हैं मिलते हैं आपसे आगे। देखिए हम किसके शूट पर आए थे, और ये है हमारा लोकेशन शूटिंग का। जेन्युइन है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, एक एज ए इंसान है, और मुझे भी ये बहुत पसंद है। मेरी प्यारी मैडम से बहन जैसी बहुत कम मिलते हैं, लोग तो बहुत मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छी है। अभी मेरी फ्रेंड भी मिल गई मेरे साथ में, और अभी मिस यू आप जाओगे याद करूंगी, वीडियो देखूंगी, जितने लोग देखते हैं प्लीज देखा करिए, बहुत अच्छे वीडियो बनाती हैं, बहुत स्वीट सी है, बहुत जेन्युइन है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, एक एज ए इंसान है, और मुझे भी ये बहुत पसंद है। मेरी प्यारी मैडम से बहन जैसी जी बिल्कुल आप मिलती हो, सीरियसली लोग जरूर वीडियो देखा करिए, बस जेन्युइन पर्सन बहुत कम मिलते हैं, लोग तो बहुत मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छी है। जिसको हम प्यार करते हैं उसको ढील दो, छोड़ दो, जहाँ जाना है जाए, अपना है करेक्ट है। लोकेशन इतना प्यारा है ना कि ये धूप जो है हमें ज्यादा खराब नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ठीक है ना, लोकेशन तो अच्छा है ना। मैं श्रद्धा, मैं सुषमा, विंध्या सरकार के सेट से हम जा रहे हैं अपना सीन पूरा करके,
फटाफट वन टेक में हमने पूरा किया है। बहुत बड़े आर्टिस्ट है हम लोग। नहीं नहीं करते वन टेक में डायलॉग बोल देते हैं हम। लेकिन यार काफी टाइम के बाद हम दोनों मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची। जी भी। और हम लोग हाँ हाँ हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि मेरा और इनका सीन कब आएगा साथ में। मजा आता है, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और हम दोनों मिश्रा है। और चुगलखोरी वाला जो हम लोगों का रोल है ना वो भी बहुत मजेदार है। हाँ सच्ची। सॉरी चुगलखोरी नहीं, ताने मारने वाला। ताने मारने वाला बिंदियाओं को लेके हम लोग ताने मारते हैं उसकी सासू माँ को यानी भापों को। हाँ और हम है ना आपसे भी चुगली कर रहे हैं। बोल रही मैडम सर की शूटिंग के लिए आई थी तो उसके बाद वहाँ से विद्या सरकार की शूटिंग कर रही है और ये ना मराठी बहुत अच्छा बोलती है। बोलो मराठी में। हाय कशे आहात तुम्ही? मी बरी आहे। चांगले आहेत ना? जेवलं की नाही? जेवलं जेवलं। ब्रेक नहीं मिला, इतनी कंटिन्यू शूटिंग चालू है ना कि कुछ मत, यहाँ से ब्रेक नहीं तो वहाँ से, ये कंटिन्यू मेरे दो तीन शूट हैं जो चलते ही रह रहे हैं और अच्छा लगता है चलते रहें लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है। हाँ। ऐसा लगता है कि ब्रेक चाहिए। हाँ। कंटिन्यू करने से वो हरेशमेंट हो जाता है और फिर कंटिन्यू नाएगा में शूटिंग होता है तो आने जाने का जो 3-4 hours रहता है उसी में हालत खराब हो जाती है। और क्या है कि आप जब भी शूट करते हो तो कंटिन्यूस मेकअप फेस पर रहता है, फेस को भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। वो भी बेचारा बिना मेकअप के रहे। वो भी बोलता है भाई हमें भी थोड़ा रेस्ट दे दो। यार बारिश नहीं हो रही है, बारिश होती तो मजा आता ना। बारिश होती है तो कीचड़ तो होता है लेकिन मजा भी आता है। मौसम बड़ा सुहाना, बहुत प्यारा और यहाँ ग्रीनरी इतनी है ना पूरा जगह खिल उठता है। सही है, बारिश में ही यहाँ आने का मजा आता है हमें शूटिंग करने का और ये सब धूप में तो इतना नहीं फिर भी अच्छा लगता है ना। तो आज हम जल्दी छूट गए ना इसलिए हमें धूप लग रही है, फिर धूप कहाँ मिलती है हमें। सुबह सुबह आए और फिर लेट नाइट जाए। मुझे शूट करना बहुत पसंद है, आई एम पैशनेट अबाउट एक्टिंग। लेकिन सच कहूँ कोई चीज़ आती भी अच्छी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा शूट भी होता है ना तो थोड़ा सा टायर्डनेस और बोरनेस आ जाती है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। हाँ यार सेम मेरा भी यही है, मतलब कंटिन्यू अच्छा नहीं लगता है, इतना टायर्डनेस हो जाता है ना लाइफ में, इतना तो लाइफ बहुत थम सी गई है। और एक दिन रेस्ट अगर मिल जाए ना तो लगता है पूरा एनर्जी गेन कर दिया आपसे। चलो